दो दिनों तक देहरादून में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की। केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में दो दिनों तक ये बैठक चली। बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी सिंबल पर चुनाव जीते और हारे प्रत्याशियों से हार के कारणों पर फीडबैक लिया गया। अविनाश पांडे ने बताया कि हार की समीक्षा रिपोर्ट वो कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जाए। कांग्रेस बहुत ही सकारात्मक योजनाओं और प्रोग्राम के साथ में एक दृष्टिकोण लेकर जनता के बीच में गई, जिस आधार पर लोगों का विश्वास विकास के काम या पूर्व सरकार की विफलताओं से हटाकर मात्र इस प्रकार के बहकाने वाली जो बातें अफवाहों के माध्यम से और प्रदेश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण फैलाने का के कारण जो एक बदलाव आया, तो निश्चित रूप से हमने स्वीकार किया है कि हम उनका पूर्ण विश्वास बहुमत हासिल करने में असफल रहे। वो तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया और उसके कारण निश्चित रूप से कि लोगों ने विकास के कार्यों को, महंगाई को, बेरोजगारी को छोड़कर सांप्रदायिक तर्क पर ज़्यादा विश्वास किया। अब ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पर लोगों को लुभावन और उस क्षणिक लुभावन वाली ऐसी कोई वस्तुओं को परोस कर एक मुझे पूरा कर ले दीजिए। अमेठी के जगदीशपुर विकास क्षेत्र में राजेश विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि जगदीशपुर ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह और उनके बड़े भाई राकेश विक्रम सिंह, जिला पंचायत सदस्य विशाल विक्रम सिंह और युवा निर्विरोध प्रधान अभिषेक विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया गया। इस होली मिलन समारोह में भारी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। बलरामपुर के थाना सादुल्लाह नगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो गोवध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी भागने में सफल रहे। इस दौरान एक उपनिरीक्षक को बाएं हाथ में गोली लगी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलराम पुलिस के अनुसार अधिकारियों की तरफ से प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में मुठभेड़ के दौरान गोकुशी में शामिल दो अभियुक्तों को तमंचा, कारतूस, गौमांस और गौ हत्या में प्रयुक्त होने वाले सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र सादुल्ला नगर के मचलपुर घाट में एक गौकशी की घटना हुई थी, जिसके अनावरण में प्रभारी निरीक्षक सादुल्ला नगर अपनी टीम के साथ लगातार लगे हुए थे, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश में आए। शाम के वक्त जब प्रभारी निरीक्षक चपर तलवा बुलहरिया घाट के पास चेकिंग कर रहे थे, तो वहां दो मोटरसाइकिल जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी वो आते देख पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें से एक मोटरसाइकिल जिस पर दो लोग सवार थे उन्होंने मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भाग गए और दूसरी मोटरसाइकिल पे जो लोग थे उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। जब पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायर किया गया। इस दौरान एक गोली प्रभारी निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी और पुलिस ने भी आत्मरक्षा पे अभियुक्तगणों के ऊपर फायर किया, जिसमें दो अभियुक्तगण दीन मोहम्मद और साजिद अली इनके गोली लगी। कन्नौज के सदर क्षेत्र में नवनिर्वाचित सदर विधायक असीम अरुण ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया और गोवंशों के रखरखाव की जानकारी दी। वहीं निरीक्षण के दौरान असीम अरुण गौशाला देख संतुष्ट दिखे। इस दौरान एसडीएम सदर और ब्लॉक के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं विधायक ने गांव के प्रधान और सचिव को व्यवस्था को और अच्छी करने की बात कही।